हेलो फ्रेंड्स आपका अपने चैनल लवी क्लासेस में स्वागत है और कंटिन्यूसली हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए जनरल साइंस पर एक सीरीज़ और जिसका सेट एट जो है आज हम आपके सामने लेकर के आई हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपने पहले वाले सेट्स नहीं देखे हैं तो आप इसके बाद भी जो है उनको देख सकते हैं एक प्ले आपको मिलेगी हमारे चैनल पर जो जर्नल साइंस से है और किसी सब्जेक्ट आप इंग्लिश ग्रामर वगैरह या जो भी आप चाहते हैं उनकी भी प्ले जो हमारे इस पर अवेलेबल है हमारे चैनल पर वो आप देख सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज नेम द फ्लूड दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स कि जो हमारी रक्त जो हमारी रक्त वाहिकाओं में जो फ्लो करता है बहता है उस फ्लूड का नाम बताओ तो वो क्या है ब्लड ब्लड इज अ फ्लूड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज कि कोई आदमी एक मिनट uh, में कितनी बार सांस लेता है तो उसको क्या बोलेंगे उसका ब्रीदिंग रेट क्वेश्चन नंबर थ्री इज द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट कि जितनी बीट पर मिनट होती है उसको क्या बोलते हैं uh, इस इसको बोलेंगे हम पल्स रेट क्वेश्चन नंबर फोर इज द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर विंड और आइस देखिए हम बहुत बार देखते हैं कि जो लैंड है भूमि का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पानी के बहाव की वजह से कभी हवा की वजह से या आइस की वजह से जो है वो डिप्लीट होता जाता है वो रिमूव होता जाता है तो उस इसको हम क्या बोलेंगे इरोजन या इसको आप सोइल इरोजन भी कह सकते हैं इरोजन क्वेश्चन नंबर फाइव इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यू हर एग्जाम के लिए जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठते हैं तो हर एग्जाम जहाँ पर भी जनरल नॉलेज या आपकी जनरल साइंस आती है तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो बेकिंग uh, सोडा का जो केमिकल uh, नेम है वो क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सिंबल की बात करें तो क्या बन जाएगा एन सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट एच सी ओ थ्री क्वेश्चन नंबर इज द डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इ रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर नोन एज कि रेड को ब्लू में या ब्लू को रेड में किसी में भी कन्वर्ट नहीं करेंगे किसी भी लिटमस पेपर को का कलर चेंज नहीं करते वो कौन से सोल्यूशन हो जाएंगे न्यूट्रल सोलूशन क्वेश्चन नंबर सेवन इज वट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है वो कौन सा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस अगर आपको याद हो तो मैंने पहले वाले सेट्स में बताया भी है और रेंज जो होती है केमिकल थर्मोमीटर की ये कहाँ से कहाँ तक होती है इट कैन मेजर फ्रॉम थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस ऑफ़ टेम्परेचर क्वेश्चन नंबर एट इज़ ग्रास एनिमल्स क्विकली स्वेलो जो भी घास खाने वाले जीव होते हैं वो क्या करते हैं वो चबाते हैं और घास को फिर निगल लेते हैं तो वो अपने पेट में जो है उसे कहाँ पर आ, किस पार्ट में स्टोर करते हैं र्यूमेन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा र्यूमेन क्वेश्चन नंबर नाइन इज द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ तो बाइल जो होता है वो uh, किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है वसा के फैट्स की क्वेश्चन नंबर टेन इज द सलाइवा जो लार होती है इट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू वो स्टार्च को किस फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देती है शुगर में ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके क्वेश्चन नंबर इलेवन इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो उसके साथ uh, वो ग्रंथियाँ होती हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं हमारा पाचन क्रिया तंत्र पाचन तंत्र जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज वट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखिए आपसे अल्टीमेट सोर्स पूछा जाए या प्राइमरी सोर्स पूछा जाए तो क्या है सन क्योंकि जो ज़्यादातर एनर्जी जो मिलती है वो सन से ही मिलती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज़ अ साइक्लोन इन अमेरिकन लैंग्वेज इज कॉल्ड देखिए जो चक्रवात होता है वो अमेरिकन भाषा में उसको क्या कहते हैं यूरिकन अलग अलग भाषाओं में साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि अमेरिकन लैंग्वेज में यूरिकन कहते हैं फिलिपियंस फिलिपिनस और जापान में लोग उसे क्या कहते हैं उसे टाइफून कहा जाता है जहाँ तक मुझे ध्यान है टाइफून उसको कहते हैं ये जापान में और फिलिपिन्स में और जापान की आपको कैपिटल भी बहुत बार पूछी जाती है जापान की कैपिटल क्या है टोक्यो और फिलिपींस की है मनीला चलते हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड देखिए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसको क्या कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और अगर प्रेजेंस की बजाय ये आपका होता एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एब्सेंस में क्या होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन तो ये ध्यान रखिएगा अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो उसको हम अरेबिक बोलेंगे अगर एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो उसको एन रेस्पिरेशन बोला जाता है क्वेश्चन नंबर इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन टू इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी फूड ब्रेक होता है फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सेलुलर रेस्परेशन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज विच गैस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल को सेचुरेटेड फैट में बदलने के लिए कौन सी गैस का यूज होता है हाइड्रोजन का क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इज ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर ओजोन लेयर जो कि हमें यू यू रेज से अल्ट्रा वायलेट रेज से सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है तो आपको बताना है कि वो एटमोसफियर की किस लेयर में प्रेजेंट होती है तो वो होती है स्ट्रेटोस्फियर में आ, हमारी पृथ्वी से जो लगभग पंद्रह से तीस किलोमीटर की आ, जो ऊंचाई है इतने मतलब डिस्टेंस पे जो है ये प्रेजेंट होती है क्वेश्चन नंबर एटीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल इन आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग आर देखिए आर्टिफिशियल रेन के लिए या क्लाउड सीडिंग के लिए जैसे कि आप देखते हैं कि मूवीज में आर्टिफिशियल रेन जो है शूटिंग के दौरान कई बार वो करते हैं क्रिएट तो उसके लिए जो है कौन से केमिकल्स का यूज होता है सिल्वर आयोडाइड आइस का ये मेजर से जिनका यूज होता है कौन कौन साइड पोटेश्बनऑक्सा चुके हैं सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्वेश्चन नंबर जो रेड पॉइजन होता है उसका क्या है? Zinc Phosphide. Zinc Phosphide. जो सेट का है वो है दिक्पाउंड In Dettol is, Dettol में जो uh, तो इसी के साथ आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक देना ना भूलें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सभी दोस्तों के साथ सभी अपने रिश्तेदारों के साथ और जो भी स्टूडेंट्स जिनको भी आप जानते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं उन सब के साथ जो है हमारी वीडियोज़ और हमारा चैनल शेयर करें थैंक यू